आप आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ होते हैं लेथ, मिलिंग, ड्रिल, स्लॉटिंग, बेंचो, हाइड्रोलिक प्रेस, ऐसे सब मशीन जो मेटल को काटने के लिए बनाया जाता है। अब दोस्तों मैं अपनी फैक्ट्री पर जा रहा हूँ, उसको हो गए है आज 14-15 दिन। क्यों 14-15 दिन के बाद मैं फैक्ट्री पर जा रहा हूँ, आपको ना पता हो तो बताऊं कि यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए एक हफ्ते का वैकेशन होता है। इसमें सभी इंडस्ट्री के वर्कर भी अपने गांव चले जाते हैं, तो इंडस्ट्री भी बंद होता है और दुकानें भी बहुत सारी बंद होती है और लोग चले जाते हैं वैकेशन मनाने के लिए। तो हम 15 दिन के लिए चले गए थे, मैं और मेरा बेटा, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को देखने के लिए। फैक्ट्री पर जाकर के आज सबसे पहली मुसीबत क्या है और क्या काम मैं करने वाला हूं उनकी बात करता हूं। आज हमें मिल गई है 3 कंप्लेंट्स, 3 मुश्किलें मिले हैं, प्रॉब्लम्स मिले हैं मशीनों में। और मेरा खास करके यही काम होता है, नोटिस में यही ज्यादा करता हूँ कि जैसे ही किसी मुश्किल के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता चले तो उसके पीछे सॉल्यूशन के लिए या तो पुर्जे भेजने होते हैं और या तो फिर हमें कोई सुझाव देने होते हैं हमारे ग्राहकों को कि इस तरह से इस मुश्किल को सॉल्व किया जा सकता है। और ये काम करता है महेश। अब पुर्जे भेजने की बात हो तो रमेश भाई भेजते हैं और सबसे पहले महेश हमारा जो इंस्पेक्टर है जो मशीनों को चेक करता है वो इस मुश्किल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। फिर वो सब सारे वीडियोस, फोटोज वो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें डालता है, तो सब लोग उसे देखते हैं और अपने अपने सुझाव देते हैं और तुरंत इस मुश्किल को सॉल्व किया जाता है। लेकिन मेरा सबसे पहला काम फैक्ट्री में जाकर के यही होता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग ग्राहक है, जो मेरे पुराने ग्राहक है, उन लोगों को किसी भी हाल में अकेला ना छोड़ा जाए और उसे जो भी मुश्किल आई हुई है उसका समाधान उसे तुरंत मिल जाए। I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. उसके बाद तौफिक से बात करूंगा सेल्स के बारे में कि वैकेशन में से आने के बाद ऑर्डर का फ्लो कैसा है, इंक्वायरी का फ्लो कैसा है, कौन कौन से ऑर्डर्स हमें मिल चुके हैं। एक एक बात ऐसी है कि ट्रांसपोर्ट छुट्टियों के बाद थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि छुट्टियों से आगे आगे ट्रांसपोर्ट रुक जाते हैं और फिर एक साथ सब डिस्पैच निकलता है तो ट्रांसपोर्ट का इश्यू भी होता है। और ऐसा भी होता है कि छुट्टियों में बहुत सारे पेमेंट्स आए हुए पड़े होते हैं तो फिर सबका डिस्पैच एक साथ, मशीनों में एसेसरीज लगाना, मशीनों को पैक करना और रवानगी, ये थोड़ा देखने जैसा चीज है। तो ये भी मैं अभी अपनी फैक्ट्री में जाकर के देखूंगा, आपको भी आगाह करूंगा हर बारे में कि मैं आज क्या काम कर रहा हूं। अपनी फैक्ट्री में मैं आ गया हूं और ये है बाहर का माहौल। आप देखेंगे कि बाहर से मेरी फैक्ट्री का चौराहा ऐसा दिखता है। यहाँ पर हमने एक शोकेस भी बनाया हुआ है।
यहाँ नीचे की ओर भी हमारा एक स्टोर रूम है। ये मेरा ग्रीन टी है, गरम कर से लेकर निकलता हूँ और रात तक पीता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा।